सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। सो आज है 12th ऑफ मार्च। टाइम इज अराउंड 3:30 इन द आफ्टरनून। बहुत दिनों के बाद में कैमरे के सामने मैं बैठ रहा हूँ और मैं शूट कर रहा हूँ। सो ये आपको दिख रहा होगा, गोप्रो के जो बॉक्स, तो इसकी एक स्टोरी आज मैं बताने वाला हूँ। वैसे आपको टाइटल से पता चला होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यस, आई लॉस्ट माई गोप्रो। मैं होली खेलने गया था, मैं एक वाटर पार्क में, तो वहाँ पे आई लॉस्ट इट। बहुत ढूंढा मैंने बट अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं। 1-2 घंटे से हम ढूंढ रहे थे, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ यार 1 घंटे तक गोप्रो को पानी में रहना इज़, आई डोंट थिंक इट विल सर्वाइव। दोस्त के पास था मेरा गोप्रो एंड हम राइड कर रहे थे। सो वाइल ही वॉज होल्डिंग द कैमरा इन हिज राइट हैंड एंड वो राइड करके नीचे आ रहा था, उसी टाइम पीछे से एक आदमी भी उसी राइड से नीचे आके वो उसे डैश कर गया और उसके हाथ से गोप्रो पूल में गिर गया। और लोग इतने थे दैट मतलब पूल में ढूंढना वॉज नॉट यू नो दैट मच ईजी, बिकॉज राइड वॉज गोइंग एंड पीपल वॉज कमिंग इन टू द पूल लाइक सो फास्ट, मतलब लग भी सकती थी हमें। तो हमने पूल पूरा छान मारा, कहीं मिला नहीं। 2 घंटे तक हम उस पूल के अंदर ही थे, गोप्रो ढूंढ रहे थे। हम वहाँ से निकल गए एंड ये रहा उसका खाली बॉक्स। ये मैंने लिया था 2018 में गोप्रो। सो ये बस उसका बॉक्स ही है अभी। सो एंड और एक का टाइटल, आई वॉट अ न्यू वन। यस, दिस इज दी गोप्रो Hero 7। सो ये मैंने नहीं लिया, एक्चुअली आई डिडंट बॉट, ये मैंने लिया नहीं ये, बिकॉज वो जो कैमरा था वो मेरे दोस्त के हाथ में था। सो यू नो कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मुझे ये इसकी ज़रूरत है। मैंने उसे बहुत मना किया बट सत्यम जर तो आई कहता सर तो थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू फॉर दिस एंड आई लव यू, पन परत मैं तुला कभी गोप्रो देणार नाही। सो या ही गेव मी दिस यस्टरडे, मतलब 11 तारीख, 10 तारीख को घुमाया, 11 तारीख को उसने मुझे लाके दिया। सो इसका आज अनबॉक्सिंग होगा गाइस। मैंने, आप देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी इसका अनबॉक्स कर लिया है, बिकॉज देखना पड़ता है इज वर्किंग और नॉट। सो या इट विल बी अ अनबॉक्सिंग वीडियो नाउ। सो थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो इसे रखते हैं हम साइड में। सो दिस इज इट। सो या दिस इज दी गोप्रो। सो इसके बॉक्स में यहाँ पे जस्ट चेक आउट, ओके, बैटरी, गोप्रो बैटरी, दिस इज द बैटरी एंड USB केबल। अच्छा, इसमें बस एक ही माउंट मिला है मुझे, दैट इज अ कर्व माउंट। जब मैंने लिया था मेरा पुराना वाला, उसमें मुझे 2 माउंट मिला था, फ्लैट माउंट एंड द कर्व माउंट। सो इन दिस दे आर हैविंग ओनली द कर्व माउंट एंड कुछ एक्सेस। अच्छा कुछ, ओके, गोप्रो के स्टिकर्स विच आई विल बी यूजिंग ऑन माई हेलमेट एंड माई बाइक। दिस इज दी ओके गाइड या वे, मतलब यू नो इट्स अ कार्ड, हाउ टू ऑन इट, हाउ टू रिमूव एंड हैव क्वेश्चंस, चैट विद अस, ओके। एंड दिस इज द यूजर मैनुअल जो कि कोई पढ़ता नहीं है। सो दिस इज इट इन इट। अभी मैं इसे निकाल देता हूँ। सो इसे निकालते हैं ऐसा, दिस यू हैव टू प्लग एंड टू पुश इट, एक सेकेंड, ओके, तो ये निकल चुका है। अभी ओके, सो दिस इज दी कैमरा विद द केस। अब मैं कैमरा को केस के बाहर निकालता हूँ।
सो दिस इज द केस ऑफ ब्लैक सेवन एंड दिस इज द हीरो ब्लैक सेवन. तो लेट्स अभी से हम ऑन करते, सेम ही है GoPro 5, 6 या फिर 2018 से, बस यहाँ पे उसका नाम आता है एंड इट्स 12 MP कैमरा. दिस इज द डिस्प्ले एंड दिस इज द क्विक कैप्चर ऑप्शन एंड दिस इज द मोड. सो नाउ लेट्स पुट द बैटरी इनसाइड एंड लेट्स गेट. सो GoPro सिंबल शुड बी टुवर्ड्स द कैमरा. यस ओके. अब हम इसे प्रेस करके, यू हैव टू प्रेस दिस मोड फॉर 2 seconds एंड यस यू कैन सी हीरो 7 एंड दिस इज इट. सो स्मूथ यार, मेरा जो पिछला वाला था वो इतना स्मूथ नहीं था. दिस इज वेरी वेरी स्मूथ. टाइम लैप्स ओके. वीडियो photo, so we have a zoom option as you can see. So this is really really helpful if you are a vlogger. So now let's go and check its video resolution. 2.7K 30 fps, let's switch to 3. Stabilization not supported. Okay, 4K mein stabilization is not supported. Okay, not an issue. And we can adjust the frame to 240, 120, 60, 30 and 24 in 4K. Abhi 2.7K mein hyper smooth stabilization is on and frames per second we can adjust to 40, 120, 60. Okay, not an issue. Light and alright people, so this is the 7. Agar aapko lena hai to description mein link hai, aap jaake le sakte ho. Aur मैं जो कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ उसके सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है. सो अब मुझे इसे टेस्ट करना है गाइस. सो मेरे पास मेमोरी कार्ड है या नहीं मुझे पता नहीं, बिकॉज एक ही था वो उस GoPro में था, वो अभी चला गया है. सो आई थिंक मुझे लेना पड़ेगा नया मेमोरी कार्ड. तो बस आज के लिए बस मैं इतना ही रखता हूँ, आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूँगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा. और बस लाइक करके ज़रूर जाना प्लीज़, लाइक कर दो या फिर डिसलाइक कर दो, मतलब कुछ भी कर रिएक्ट करके ज़रूर जाना प्लीज़, ताकि हमको पता चले यार कि हम जो वीडियो बनाते हैं वो किस लायक का है. सीरियसली अगर अच्छा है तो अच्छा बनाते हैं, बुरा है तो बुरा है, ताकि हम सुधर सके और अच्छा कंटेंट ला सके आपके लिए. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड सपोर्ट मी गाइस. और बस मिलता हूँ मैं आपको एक नए व्लॉग के साथ. सो टिल देन बाय. चलो मिलता हूँ, बाय.